तो मेरी पूरी अर्निंग $965 की हुई है। ये देखो गाइस आ गया $3 का 15 मिनट का 3.3 किलोमीटर। जब भी हम ऑर्डर उठा लेंगे सो यहाँ पे वेरीफाई दिस ऑर्डर करेंगे। थैंक यू। देखो गाइस वो जा रही। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों भाई मैं आया हूँ इंडिया से अराउंड 50 डेज लगाकर। सो भाई इंडिया का तो वेदर बहुत ही सुंदर था और भाई अब मैं आ चुका हूँ कनाडा में और कनाडा का वेदर भी भाई बहुत ही अच्छा हो गया। तो मैं मोस्टली इसीलिए जाता हूँ कि भाई वहाँ पे जो विंटर्स है वो निकल जाए और साथ ही हमारा जो एक ट्रिप है वो भी खत्म हो जाए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग कनाडा आते हैं और वो जॉब के लिए सफर करते हैं। सो एक ऐसी जॉब आपको बताने वाला हूँ भाई जिसे आते ही आप खुद चालू कर सकते हैं। सो भाई मैं आपको बताने वाला हूँ Uber Eats के बारे में। तो जैसे कि लोगों को पता है कि भाई Uber Eats जो है वो डिपेंडेंट जॉब है भाई, खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली जॉब है। आप आओ भाई अपने Uber Eats पे अपना अकाउंट बनाओ, उसके बाद जो है आप वेरिफिकेशन करके हैं Uber Eats को स्टार्ट कर सकते हो। सो भाई Uber Eats आप कैसे कर सकते हो, आप ये मत सोचो कि भाई आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको उसके लिए गाड़ी का लाइसेंस चाहिए, बाइक का लाइसेंस चाहिए। और जब भी आप यहाँ पे फ्रेश आते हो सो पता है बहुत सारी चीजें होती हैं, आप एकदम आके लाइसेंस नहीं बना सकते। यहाँ पे लाइसेंस की आपकी जरूरत भी नहीं है अगर आपने Uber Eats जस्ट स्टार्ट करनी Because Uber Eats आपको अलाउ करता है कि आप पैदल भी कर सकते हैं या आप साइकिल पर भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आप पैदल कर रहे हैं या साइकिल पर कर रहे हैं सो ऐसी जगह पे करें जहां पे आपको जो है वो ऑर्डर आ जाए। बिकॉज अगर आप ब्रैम्पटन जैसी जगह पे कर रहे हैं सो यहाँ पे जो है वो आपको साइकिल के ऑर्डर या पैदल वाले ऑर्डर नहीं आने वाले, यहाँ पे जो है वो आपको कार पे ही करना पड़ता है। सो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं जहां पे आप साइकिल से Uber Eats कर सकते हैं सो वो है टोरंटो में। बिकॉज वो एक बिजी एरिया है जहां पे कार वगैरह भी चल जाती है लेकिन वहां पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है कार से वो जो है डिलीवरी करने में। बिकॉज वहां पे क्या है टिकट वगैरह का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। भाई मेरा एक फ्रेंड गया था, उसने बेचारे ने $300 कमाए और ऊपर से उसने $150 की वहां पे जो टिकट भर दी। सो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, सारा दिन भी वेस्ट हुआ, फ्यूल भी वेस्ट हुआ और ऊपर से अगले को टिकट भी मिल गई। सो इसीलिए वहां पे जो है वो बेटर ऑप्शन होता है कि आप लोग जो है वो साइकिल पे ऊबर करें। यहाँ पे वहां पे भी लोग पैदल भी ऊबर कर लेते हैं बट पैदल में आपको इतना ज्यादा वो नहीं करता क्योंकि साइकिल तो यहाँ पे हर कोई आके जो है वो ले सकता है। चीजें वगैरह यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहां पे आपको $40-50 की सस्ती सेकंड हैंड साइकिल बहुत ही इजीली मिल जाती है। सो भाई आपको क्या करना होता है, जैसे आप DoorDash या Uber Eats पे अकाउंट बना रहे हो सो वो लोग आपको वैसे भी फ्री में बैग भेज देते हैं, थर्मल बैग होता है वो आपको वहां से फ्री में भेज देते हैं। आप यहाँ पे आओ एक सेकंड हैंड साइकिल लो और उस साइकिल से अपना अकाउंट बनाओ। अकाउंट जब भी आप बनाते हो वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कौन सी सवारी जिससे आप जो है वो Uber Eats करना चाहते हो, पैदल करना चाहते हो, साइकिल पे, अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है तो आप गाड़ी पे भी कर सकते हो। एंड गाड़ी का लाइसेंस पे भी ये ऐसे नहीं है कि आपको जो है वो जी लाइसेंस पे ही आप Uber Eats कर सकते हो, आप जी के बाद आप G2 बनाकर सो उस पे भी आप Uber Eats कर सकते हो। अगर आपने पैसेंजर करनी है जिसे हम Uber X कहते हैं सो उसके लिए जो है वो आपको जी लाइसेंस चाहिए होता है। लेकिन अगर आपने खाली Uber Eats करनी है, स्किप करनी है, DoorDash करनी है सो उसके लिए क्या है वो आपको सिर्फ साइकिल से भी आप कर सकते हो एंड आप G2 लाइसेंस से भी कर सकते हो। फिर मैं आपको थोड़े ऐप के बारे में भी अभी बताऊंगा कि कैसे ये ऐप काम करती है, कैसे आपको ऑर्डर पिक करने हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो स्टोर पे कैसे करके जाके आपको ऑर्डर उठाने होते हैं एंड फिर उसके बाद जो है कैसे डिलीवरी करनी होती है। एक तो मेरे पास गाड़ी भी वैसी है, मेरे पास है मस्टैंग भाई, इसकी फ्यूल इकोनॉमी आपको पता ही है बहुत ही ज्यादा कम है, ये खाली 5 किलोमीटर की एवरेज देती है 1 लीटर पे। सो अगर आप फ्यूचर में कभी कनाडा आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि हाँ आप Uber Eats करोगे सो आप गाड़ी भी वैसा लो, यहाँ पे जेटा मिल जाती है, होंडा अकॉर्ड मिल जाती है, टोयोटा की मिल जाती है जो कि आपको फ्यूल इकोनॉमी बहुत ही अच्छी देती है एंड आपकी एवरेज भी अच्छी निकल के आती है सो आपकी कमाई भी अच्छी होती है। सो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो सो आप गाड़ी भी अच्छे से लो, किसी दिन हम वो भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी यहाँ पे आके लेनी चाहिए कनाडा में जो आपके बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करे पैसा वगैरह कमाने में। बिकॉज यहाँ पे ऐसी गाड़ी तब तक मत लो जब तक आप प्रॉपर सेटल नहीं हो, जब तक आप स्टूडेंट हो, आप वर्क परमिट पे हो, आपको हमेशा ऐसी गाड़ी रखनी चाहिए जो कि आपको कमाई करके दे। उसके बाद जब आप एक बार सेटल हो फिर आप अपनी मनपसंद की कोई भी गाड़ी उठा सकते हो, जब आपको पता है कि आपकी एक परमानेंट जॉब है साइड में एंड वो जॉब कहीं नहीं जाने वाली सो वैसी गाड़ी फिर आप उठा सकते हो, अपने शौक भी पूरे करने चाहिए लेकिन टाइम पर। आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप कैसे काम करता है और कौन सा ऐप आपने डाउनलोड करना होता है। सो गाइज हमारा जो ऐप होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है जिसपे आप करते हो DoorDash। सो ऐसे करके ऐप होता है जहाँ पे डैशर लिखा होता है, सो आपको ऐसा ऐप डाउनलोड करना होता है।
फिर उसके बाद ये जो है अभी इस पर मेरी फाइल वगैरह सब कुछ बनी हुई है। अगर आप जानना चाहते हो कि इस पर प्रोफाइल वगैरह कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे सबमिट करते हैं, सो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। सो मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के वो भी सारा कुछ समझा दूंगा। सो फिलहाल ये मैंने बहुत पहले यूज़ की थी, मुझे अराउंड मुझे लग रहा है 1 साल 2 साल से ऊपर हो गया मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। सो कल ही मैंने इसमें मेरा एक डॉक्यूमेंट एक्सपायर था क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, सो वो मैंने अपलोड करके कल ही इसको सेटअप कर लिया था। मुझे मालूम था मैंने आज वीडियो बनानी है। सो ऐसे करके सारा सिचुएशन होती है, यहाँ पे आपकी अर्निंग आ जाती है जो आपने पिछली की होती है। सो जैसे जैसे आप कमाओगे यहाँ पे आपकी अर्निंग आ जाती है, फिर यहाँ से ही आप जो है उसको विड्रॉल कर सकते हो। सो वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि आप बाद में कमा के और कैसे विड्रॉल कर सकते हो। फिर यहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको ये सारी के सारी रेटिंग्स आ जाती हैं कि कस्टमर रेटिंग, एक्सेप्टेंस रेट, कंप्लीशन रेट। सो ये सारी रेटिंग आपको करनी होती है। कहते हैं कि 3 से कम रेटिंग नहीं होनी चाहिए, फिर आपका ऑर्डर कम आते हैं। जितनी अच्छी रेटिंग बना के रखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, और रेटिंग आपकी बनती है आपके बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका जो है वो डिलीवरी रेट कैसा है, आपने टाइम पर डिलीवर किया या फिर जो भी आपका ऑर्डर आ रहे हैं आप वो टाइम से पिक कर रहे हो नहीं कर रहे। आप चाहो तो अपने ऑर्डर जो है वो डिक्लाइन भी कर सकते हो अगर आपको कोई पसंद नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आपको 10 किलोमीटर का ऑर्डर सिर्फ आपको $6 का है, सो कोई भी नहीं उसे उठाएगा, बिकॉज 10 किलोमीटर जाने का, 10 किलोमीटर वापस आने का, 20 किलोमीटर का कोई भी जो है वो $6 में नहीं एक्सेप्ट करेगा। सो इसीलिए जैसे जैसे आप इसको चलाते हो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी इसको स्टार्ट करना है, सो जहाँ जहाँ पे बिजी है वहाँ पे ये दिखा देता है बहुत बिजी। जैसे कि टोरंटो में इस समय दिखा रहा है कि टोरंटो में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। अब DoorDash इस समय बहुत स्लो चल रहा है। सो अगर आपके पास Uber Eats भी है सो आप वो भी कर सकते हैं। बेटर है कि आप सारे पे सब पे आप अपना अकाउंट बना लें, बिकॉज आपको फ़ायदा ही देता है अकाउंट। आपके जितने ज़्यादा अकाउंट होंगे उतने आप Uber पे बना सकते हो, Skip पे बनता है और उसके बाद DoorDash पे बनता है। फिर जो भी अगर आपका एक अकाउंट अगर आपका स्लो चल रहा है सो आप दूसरे अकाउंट पे जो है वो बना सकते हो। ऑलमोस्ट सबकी अर्निंग सेम ही होती है, कुछ ये है कि सब कुछ डिपेंड करता है कि आज का दिन आपका कितना बिजी है या फिर कितना स्लो है। फिर आप चाहे Uber Eats चला लो, आप चाहे DoorDash चला लो, जो मर्जी चला लो, ये सब की अर्निंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बस पैसेंजर में फ़र्क पड़ता है, Uber Eats की इतनी अर्निंग नहीं है। ये है कि आप आते ही अपना काम चालू कर सकते हो, जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती आप जो है वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रख सकते हो ताकि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आता रहे एंड आपका खर्चा पानी चलता रहे। तो गाइस DoorDash तो अभी स्लो चल रहा है, सो मैंने Uber Eats का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लिया। सो Uber चला के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ऐसा कुछ इंटरफेस आता है Uber का। यहाँ पे 3 साइड में क्लिक करने को आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं अगर कोई है जिससे आप और अच्छा पैसा कमा सकते हो। फिर उसके बाद इनबॉक्स पे मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं, यहाँ आपके सारी की सारी अर्निंग शो हो जाती हैं कि आपने आज कितना कमाया कितना नहीं कमाया, आपको टिप्स कितनी मिली, आपके पॉइंट्स कितने बने। यहाँ पे सी डिटेल्स करके आप अपनी पुरानी अर्निंग्स भी सारी देख सकते हो। सो मैं आपको अपनी पुरानी अर्निंग्स दिखाता हूँ एक बार, मैंने पता नहीं कितने टाइम पहले चलाई थी Uber Eats, मुझे तो ध्यान भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया मेरे को चलाए हुए। सो ये यहाँ पे कुछ अर्निंग आई है मेरी। सो ये देखो गाइज, ये वाली मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ अपनी March 14 से लेके March 21 की। सो March 14 से लेके March 21 आप गिन लो कि कितना टाइम हो गया है ना, एक वीक हुआ। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कितने अर्निंग, मैंने $965 कमाए, $965 बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें मुझे टिप्स मिली $249 की, मुझे टिप मिली, अदर अर्निंग्स वगैरह मैंने किए, एडजस्टमेंट्स वगैरह हुई, प्रमोशंस हुए, फिर बीच में मैंने प्रमोशन भी मुझे मिले थे नेट फेयर करके। सो मेरी पूरी अर्निंग $965 की हुई है। अगर आप इसको भी ब्रेक डाउन करना चाहते हो सो कौन कौन सी डिलीवरी ने मुझे कितने कितने पैसे दिए, वो भी आपको सारा कुछ आ जाता है Uber Eats में। सो Uber Eats भी बहुत अच्छा ऐप है, आपको सारी आपकी अर्निंग्स देखने को मिल जाती हैं। फिर जैसे ही आप अर्न करते हो सो तुरंत ही आप जो है वो अपने अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हो हाथों हाथ। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसको स्टार्ट करते हैं और इसको आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो। Uber Eats का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कोई स्केड्यूल आपको नहीं करना पड़ता, जहां पे स्किप भी अगर आप करते हो उसमें भी आपको स्केड्यूल सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद अगर आप DoorDash करते हो वहां भी आपको स्केड्यूल सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन Uber Eats का कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करो, गो करो और बस यू आर रेडी टू गो। फिर गो करते हैं, ये आपको एक्शन लेने को बोलता है, ये कहता है कि आप अपनी फोटो भेजो क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि हाँ कि इसको एक रियल बंदा ही जो है वो चला रहा है।
सो मैंने जो है वो अपनी फोटो डाल दी है इसमें, ये स्कैन कर रहा है और इसने वेरीफाई कर दिया, थैंक्स फॉर वेरीफाइंग कि हाँ ये जो अकाउंट है वो आप ही चला रहे हो। अब यहाँ पे आप अलाउ कर देते हैं, यू आर ऑनलाइन, यहाँ पे आ गया यू आर ऑनलाइन, मीन्स अब ये जो है इसने ऑर्डर जो है वो ढूंढने चालू कर दिए हैं। फोन को रखते हैं साइड में और तब तक मैं जो है आपको वेदर दिखाता हूँ, बाहर की वेदर कितना अच्छा हो रहा है। सो गाइस वेदर चेक करो भाई, अभी अभी मैं आया हूँ इंडिया से और वहाँ डिट्टो सेम ऐसा वेदर हो रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था कि भाई कैनेडा में जाते ही कहीं मुझे स्नो देखने को ना मिल जाए, लेकिन स्नो का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। कल थोड़ी बहुत ठंड थी, बाकी आज वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। बस ये है थोड़ी बहुत ठंडी हवा चल रही है धूप के साथ, जब भी आपको विंटर में कैनेडा में भाई धूप देखने को मिल जाएगी तो ये समझ लेना कि साथ में ठंडी हवा तो ज़रूर चल रही होगी। और तब तक हम अपनी गाड़ी को भी थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, जब से मैं बैठा हूँ मैंने गाड़ी नहीं स्टार्ट की, थोड़ी गाड़ी भी सही हो जाएगी। वॉशर फ्लूइड लेवल भी इसका लो है सो इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता कि कनाडा में जो वॉशर फ्लूइड होता है उसमें आप नॉर्मल पानी नहीं डाल सकते, जैसे इंडिया में क्या है या बाकी देशों में क्या है जहाँ पे स्नो वगैरह नहीं पड़ती या फिर जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बिलो ज़ीरो नहीं जाता, सो वहाँ पे क्या है बर्फ़ जो है वो जमती नहीं। लेकिन अगर आपने इस गाड़ी में भाई नॉर्मल पानी डाल दिया सो क्या है जब भी टेम्परेचर ज़ीरो से नीचे जाता है सो वो आइस जम जाएगी और आपका जो भी वो पानी वाला सिस्टम है वो सारा जम जाएगा और सारा का सारा ख़राब हो जाएगा, फिर आपको पूरी गाड़ी खुलवानी पड़ती है उसको क्लीन करवाने के लिए। सो अगर आप कनाडा में आ रहे हो और आप गाड़ी लोगे सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे भाई पानी आप गलती से भी मत डाल देना वॉशर फ्लूइड में। यहाँ पे जो है वो अलग से लिक्विड आता है जो कि आपका -45 डिग्री तक भी जमता नहीं है, सो वो जो है वो लिक्विड डलता है गाड़ी के अंदर। सो अभी हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे एंड वहाँ से उठाते हैं वो लिक्विड, फिल आउट करते हैं, तब तक देखते हैं हमें कोई ऑर्डर आता है या नहीं आता। सो तब तक हम ये छोटा सा जो काम है वो कर लेते हैं। गाइस फिलहाल हमें कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम लोगों ने जो है उबर ईट्स बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी है। भाई सुबह सुबह कोई ऑर्डर नहीं आते, एक्चुअली ऑर्डर जो शुरू होते हैं वो होते हैं 3 बजे के बाद, बिकॉज शाम को ही हर कोई ऑर्डर करता है, सुबह तो वैसे ही हर कोई काम पे होता है, सो बहुत ही कम जो है वो आपको ऑर्डर देखने को मिलते हैं। सो अभी फिलहाल इसको करते हैं बंद, वॉशर फ्लूइड डलवाते हैं, उसके बाद इसको ऑन करेंगे एंड एक दो डिलीवरी आपको करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे होती हैं। इसको बंद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे आपको आना होता है, इसको दबाना होता है, यहाँ पे गो ऑफलाइन कर देते हैं। सो ये जो है ऑफलाइन हो गया, अब आपको कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा जब तक हम इसको दोबारा गो पे क्लिक नहीं करेंगे। सो फिलहाल हम चलते हैं वॉशर फ्लूइड वगैरह डलवाते हैं एंड फिर आके देखेंगे इसको, क्योंकि वॉशर फ्लूइड बहुत लो है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है भाई। अभी आपको यहाँ पे धूप दिख रही है ना पूरी, सो यहाँ पता नहीं चलेगा कि कब स्नो डल जाएगी। पुलिस की गाड़ी जा रही, ये देखो पेडेस्ट्रियन निकल रहे, यही इंडिया होता ना तो अभी तक हम निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे ट्रैफिक देख के प्रॉपर पेडेस्ट्रियन देख के निकलना पड़ता है, हर एक चीज प्रॉपर। बाहर की सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहां से। अब यहाँ पे साथ ही में एक पेट्रोल पंप है, हम जाते हैं वहां पे, फायर ब्रिगेड की मुझे आवाज आ रही है, देखो गाइस वो जा रही। जब भी फायर ब्रिगेड यहाँ से निकलती है सो आपको रुकना होता है, भले ही आपकी जो लाइट है वो भी ग्रीन हो, सो बहुत ही ज़्यादा इनको सीरियस लिया जाता है। अगर आप नहीं रुकोगे सो भाई फाइन बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं इनके, क्योंकि कोई भी आपका जो है वो नंबर प्लेट जो है वो पुलिस वाले को दे सकता है कि हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस वाले ने ही देखा तो ही आपको टिकट मिलेगी, यहाँ पे भाई लोग कंप्लेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, यहाँ अगर आप कोई भी गलत काम करोगे तो किसी ने आपकी कंप्लेंट कर देनी है, उन्होंने क्या करना है पुलिस को फ़ोन मिला के और बस खाली आपके गाड़ी का नंबर देना है और भाई वहीं पे ही आपका काम हो जाना है।
यहाँ पार्किंग ढूंढते हैं, वो पार्किंग है वहां पे लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे हर एक चीज बहुत ज्यादा सीरियसली ली जाती है। जैसे यहाँ पे वो जो डिसेबल लोग के लिए वो पार्किंग है, इंडिया में तो आप कहीं पे भी लगा देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यहाँ लगा रहे हो तो भाई बहुत तगड़ा फाइन है। यहाँ पे $5,000 का फाइन है और यहाँ पे सच में देते भी हैं फाइन। सो अंदर चलते हैं एंड वॉश ऑफ फ्लूइड उठा के लाते हैं। गाड़ी अपनी करते हैं ऑफ, वॉलेट की हमें जरूरत नहीं है, फोन में ही अपना सब कुछ है। सो ये देखो गाइस, यहाँ से हम उठा सकते हैं भाई। ये पड़ा है ऑल सीजन विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड -45 degrees, ये लिखा है ना -45 degrees Celsius, मींस -45 तक भी ये जो है वो जमता नहीं है। सो स्टोर के अंदर चलते हैं। Hey man, how are you? I just need this. Debit. Thank you. You too. So, bhai, washer fluid utha liya. $8 का है भाई, $8 का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना महंगा हो गया ये, $8.46। यहाँ से हम खोलेंगे अपनी बोनट और डालेंगे इसमें भाई ये, उद्घाटन करेंगे इसका। इसको रखते हैं यहाँ पे। इसको डालेंगे, ये है हमारा वॉशर फ्लूइड, इसके अंदर हम डालेंगे इसको। ढक्कन खोलते हैं, इसमें डालेंगे ये सारा का सारा। मुझे लगा था थोड़ा बहुत रह जाएगा, नहीं नहीं है फुल हो गया और थोड़ा सा है इसमें। सो इसको हम बचा के रखेंगे, कभी कभी इमरजेंसी में काम आता। इसको कर देते हैं बंद, ढक्कन करते हैं बंद, इसको रखते हैं साइड में। गाइस गाड़ी का इंजन चेक करो, लग रहा है ना ज़बरदस्त। ये है भाई इसका एयर इनटेक, बाकी इसको छोड़ते हैं, हम करते हैं इसको बंद। इसको रखते हैं डिग्गी में, ढक्कन कर देते हैं बंद ढंग से। लोग कहते हैं मस्टैंग की डिग्गी छोटी है, ये देखो नीचे मेरा सारा सामान पड़ा है और ऊपर कितनी क्लीन है, इतनी भी छोटी नहीं है भाई। ये है हमारा ड्रोन, इससे भी वीडियो बनाएंगे किसी दिन, खतरनाक वाली। बैठते हैं गाड़ी में अब। सुबह उबर ईट स्टार्ट की थी लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आ रहे थे, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर दी थी 11-12 बजे। सो उस समय जो है कोई ऑर्डर नहीं आते, सो मैंने अब दोबारा से ऊबर स्टार्ट की है। अब 6:15 हुए हैं, हम इसे स्टार्ट करते हैं एंड एक डिलीवरी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या सीनरी होता है। तो यहाँ पे हमें इसको गो कर देना एंड यू आर ऑनलाइन। अभी हम ऑनलाइन हो गए हैं, देखते हैं हमें ऑर्डर कितनी देर में मिल जाता है। ये देखो गाइस आ गया, $3 का, 15 मिनट का, 3.3 किलोमीटर। अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हमने एक्सेप्ट किया। Head to your pickup at Indo Canadian Food Hut. अभी हमें दिखा रहे कि कहाँ जाना है, इंडो कैनेडियन हमें रेस्टोरेंट पे जाना है, सो वहाँ जाएंगे एंड फिर वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर पिक कैसे करते हैं। Turn right, then pick up on the left. यहाँ पे ही है, यहाँ पे स्टोर्स हैं,
यही है हमारी पिकअप। इंडो कनेडियन फूड हंट पिक अप ऑन द लेफ्ट। ये हमारा इंडिया का रेस्टोरेंट है भाई। यहाँ पे यहाँ से हम पिक करेंगे अपना सामान, गाड़ी को लगाते हैं पार्क, फिर मैं आपको अंदर दिखा के आता हूँ कि फूड पिक कैसे करते हैं। जिसका भी आप फूड पिक कर रहे हो उसका आपने नाम बोलना होता है एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर आपको अपने ऐप पे दिखाना होता है कि आप इसके लिए पिक कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अभी हम पहुँच गए इंडो कनेडियन फूड हंट पे, वो सामने वो है स्टोर एंड वहाँ पे जाके यहाँ पे दिया हुआ है पिकअप वन ऑर्डर। तो फनू जे ये जो भी है इसका नाम है एंड जब भी हम ऑर्डर उठा लेंगे सो यहाँ पे वेरीफाई दिस ऑर्डर करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम पिक कर लेंगे। सो यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस नॉट रेडी अभी आ रहा है। सो वैसे अंदर जाके ऑलवेज हमें पूछ लेना चाहिए, खाली एक यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, आलू पराठा प्लेट है एंड एक टी मसाला टी है। सो बस ये दो चीज़ें हमें पिक करनी है। गाड़ी को लॉक लगा देते हैं। Uber Eats pickup. Thank you. No problem. अब गाइज हम लोगों ने ऊबर का ऑर्डर उठा लिया, एक चाय और एक पराठा। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। सो आपने कुछ नहीं करना, ये आपका फ़ोन है, यहाँ पे हमने कर दिया ऑर्डर वेरीफाइड, एक पराठा एक चाय एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंप्लीट पिकअप। सो इसको स्वाइप कर देंगे, पिकअप हमारी डन हो गई। अब ये दूसरा नेविगेशन स्टार्ट कर दिया इसने, जो कि उसका घर है बंदे का जहाँ पे हमने जाके इसको डिलीवर करना है। सो बस अब हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और इसको डिलीवर करेंगे। सो आलू पराठा हमारा यहाँ हो गया एंड चाय का कप हमने यहाँ पर रख दिया। सो ये है, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है एंड इसको डिलीवर करेंगे फूड को। सो थोड़ी सी दूर से ही हमने उठाया एंड डिलीवर करेंगे। डिलीवर करते ही हमें जो है वो हमारे $3 मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑर्डर के इंस्ट्रक्शंस भी आ जाते हैं, अगर आपने ऑर्डर के इंस्ट्रक्शंस देखने हैं। जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे लिखा है ड्रॉप ऑफ मीट एट डोर, मतलब बंदे ने कहा है कि मुझे डोर पे मिलो। सो वहीं पे हमें बंदा मिल जाएगा, डिलीवरी फ्रॉम डिलीवर एट द बेसमेंट डोर। बेसमेंट डोर पे उसने कहा है कि हमें डिलीवर करो, या तो वो बाहर मिल जाएगा या अगर वो बाहर नहीं होता सो बेसमेंट डोर के पास हम लोगों ने इसको वहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना बेसमेंट डोर के पास। सो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना। भाई हम लोगों ने मार लिया यहीं से ही शॉर्टकट एंड बस 3 मिनट के ड्राइव पे बंदे का घर है, डिलीवर करते ही $3 जेब में। सो भाई इसका ऊबर ईट्स का अपना ही मजा है, जब मर्जी इसको स्टार्ट करो जब मर्जी इसको बंद करो, सबसे ज्यादा मजा यही है भाई। अगर आपके पास कोई और जॉब नहीं है, सिर्फ आपके पास यहाँ पे अपनी गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी नहीं है साइकिल ले लो, टोरंटो चले जाओ, वहां पे ऊबर ईट्स करनी शुरू कर दो, पैसे आपकी जेब में आते रहेंगे। कभी कभी तो लोग भाई जिनके परमानेंट जॉब है उनसे अच्छा कमा लेते हैं। ऊबर ईट्स वगैरह में पैसे थोड़े कम है जहाँ पे आपको फूड की डिलीवरी करनी होती है, लेकिन वहीं पे अगर आप पैसेंजर वाली करते हो जहाँ पे जैसे कि हमारे इंडिया में चलती है ओला वगैरह, अगर आप वैसे करते हो पैसेंजर को छोड़ने जाते हो या लेके आते हो सो उसके पैसे तो बहुत ही अच्छे हैं। बाकी हर चीज़ डिलीवर बाकी हर चीज़ डिपेंड करती है कि भाई आप कितने बिजी हो या फिर आपके स्टोर्स कितने बिजी हैं। अगर आपके स्टोर्स बिजी हैं सो आपका जो है वो बहुत ही अच्छा सा बनता रहता है। कभी कभी तो स्टोर बिजी हो तो ऑर्डर डिलीवर करने से पहले ही आपका नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो रेडी होता है पिकअप करने के लिए। क्या पता हमें कोई ऑर्डर आ ही जाए पिक करने के लिए तब तक। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी कमाई हो जाती है, दूसरा ये आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है, गाड़ी चलाते रहो अपना एंजॉय करो व्यू। सो इसका मजा ही कुछ और है।
turn left on Windmill Boulevard, then turn right on Ortona Drive. ये तो एक तरीके से वही बात हो गई कि भाई आपको गाड़ी में घूमने के पैसे मिल रहे हैं, अब आप पे डिपेंड है कि आप कितना घूम सकते हो। अब ये दिखा रहा है कि यहीं पे है घर, घर हमने ढूंढना है बस। 14 कौन सा है, 14 नंबर है हमारा, 13, 12, 13, 14 ये है भाई, यहाँ करेंगे ड्रॉप ऑफ। तो गाइस बंदे के घर आ गए हैं एंड ड्रॉप करते हैं उसका फूड। उसने कहा था बेसमेंट में या फिर साइड में। हेलो, इट्स यू, हाउ आर यू? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो भाई जैसे कि भी आपने देखा कि हमारी बहुत ही प्यारी कस्टमर थी, सो जिसे हमने फूड डिलीवर कर दिया एंड जैसे डिलीवर हो गया यहाँ पे उसको चीज़ मिल गई। यहाँ पे आपने कर देना कंफर्म डिलीवरी, कंफर्म डिलीवरी उसको पहुँच गई। कंप्लीट डिलीवरी पे आपने कर देना है क्लिक एंड यू आर ऑनलाइन अगेन। सो एक हमने डिलीवर कर दिया, हम ऑनलाइन हो गए। यहाँ पे अभी जहाँ पे आपको 0.00 है यहाँ पे अभी आपको $3 देखने को मिल जाएंगे। अगर वो टिप हमें कर देगी सो हमें और ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस फाइनली हमको एक भाई डिलीवरी मिल गई और हमने वो कंप्लीट कर ली है। सो रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है अब प्रॉपर रात हो चुकी है। एंड अब मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ फ़ोन में कि मैंने कितने पैसे कमाए और क्या सिचुएशन रही, और अगर आप लोगों को उसको अपने बैंक अकाउंट में डालना है सो क्या करना पड़ता है। तो गाइस अब ये मेरा फ़ोन है राइट, अब इसमें हम जाएंगे ऊबर ड्राइव में। अब देखो जो मैंने $3 कमाए थे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं राइट, यहाँ पे आपको $3 यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंड यहाँ पे हम चाहे तो अपने ट्रिप की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि हमने जो अभी ट्रिप लगाई यहाँ पर अर्निंग पे जाएंगे। सो यहाँ पे आपको $3 शो हो रहे हैं, यहाँ पे सी डिटेल्स पे जाएंगे। सो ये आपको सारा कुछ दिखा देगा कि आपने कौन से, हम 1 घंटे 7 मिनट ऑनलाइन रहे, हमको सिर्फ एक डिलीवरी मिली और 3 पॉइंट्स मिले। ब्रोक डाउन करेंगे तो हमें कोई टिप वगैरह कुछ नहीं दी, सिर्फ $3 जो हमें ऊबर ने पे किए वही थे। सो मीन्स 17 मिनट्स के हमें सिर्फ $3 मिले हैं। सो इसका मतलब जो है आज ऊबर बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। ऊबर ज़्यादा अच्छी सी चलती है सैटरडे एंड संडे को, बिकॉज तब लोग वीकेंड वगैरह में आते हैं और लोगों के घर पे मेहमान वगैरह भी आए होते हैं। सो उस समय लोग जो है वो बाहर से फूड ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं शॉप में जाके खाने से। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप इसको कैश आउट कैसे कर सकते हैं, सीधा अपने बैंक अकाउंट में कैसे डाल सकते हैं। सो मैंने जो है इसके साथ पहले ही अपना बैंक अकाउंट सारा कुछ फिल आउट किया हुआ था, वो जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं नया सो तब आपको करना होता है। तो जैसे ही पहले से मेरा सब कुछ डन है, सो उसके बाद जैसे ही आपने पैसे कमा लिए अर्निंग्स पे जाके यहाँ पे $3 यहाँ पे कैश आउट लिखा हुआ है, सो आपको बस इस कैश आउट पे क्लिक कर देना। एक तो इसका ये होता है कि पूरे हफ्ते जो भी आप पैसा कमा रहे हो वो ऑटोमेटिकली 1 वीक के बाद आपके अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप कैश उसी समय निकलवाना चाहते हैं या फिर आप जो कैश है चाहते हैं कि अगले दिन ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाए तो सो ये लोग एक छोटी सी फ़ी काटते हैं यहाँ पे, जैसे $0.85 फ़ी कह रहे हैं कि हम लोग काटेंगे और आपके जो फंड्स हैं वो कल 10 सुबह 10 बजे तक जो है आपके अकाउंट में पहुँच जाएंगे। सो यहाँ पे अकाउंट नंबर इनका मेरे पास पहले से ही है, सो बस मैंने यहाँ पे कन्फर्म कर देना। ये कंफर्म का यहाँ पे नीचे बटन है, इसको स्लाइड करेंगे, ये कंफर्म कर रहा है और ये आ गए पैसे काट के। $3 बने थे जिसमें से इन्होंने 0.85 सेंट्स काट लिए, $2.15 इज़ ऑन द वे। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो पैसे हैं वो कल तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सो बस डन कर दो यहाँ से एंड फिर आप पीछे जाके, अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपने और ज़्यादा इसको ऑन करना है या नहीं करना, नहीं करना तो कोई बात नहीं, ऑन करना है तो फिर चलाओ। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा एंड आप लोगों को पता चला होगा कि हाँ ऊबर ईट्स की क्या सिचुएशन होती है, ऊबर ईट्स कैसे करनी होती है, ऑर्डर एक्सेप्ट कैसे करने होते हैं एंड डिलीवर वगैरह कैसे करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के अंदर डाउट होता है। सो अगर आपके मन में स्टिल कोई भी डाउट है इस चीज़ को लेकर कमेंट में लिखो, मैं उससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा। जाने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।